अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एनाक्सागोरस के बारे में। एनाक्सागोरस की पैदाइश हुई 510 बीसी में और आपकी वफात हुई 428 बीसी में। इनकी पैदाइश हुई एशिया माइनर के अंदर, उस वक्त जो इलाका था आयोनिया, वहां पे इनकी पैदाइश हुई। और उस वक्त ये एरिया जो है वो पर्शियन एम्पायर के जो है ना अंडर कंट्रोल था। इनका ताल्लुक भी जो है ना वो वेस्टर्न फिलासफी से है। और ये बुनियादी तौर पे जो इनका स्कूल ऑफ थॉट था, ये प्लूरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट था इनका। इससे पहले जितने फिलासफर को हमने देखा वो मोनिस्ट थे, यानी कि वो उनका ये ख्याल था कि दुनिया की तमाम चीजें एक ही चीज से बनी हैं। प्लूरिस्ट का मतलब हुआ जिनका ये ख्याल है कि नहीं, दुनिया की चीजें जो है ना वो एक चीज, दुनिया जो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, यानी कि जो कायनात है, जो जो है ना वो सूरज है या चांद है या जो भी जितनी भी चीजें हैं, वो एक चीजों से नहीं बनी, वो मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स का वो मजमू है, तो उसको कहते हैं प्लूरिस्ट। तो बुनियादी तौर पर ये जो एनाक्सागोरस थे ये प्लूरिस्ट थे। इनका भी नेचुरल फिलासफी के साथ ताल्लुक था और ये जो है ना किसी हद तक जो है ना पारमेनिडीज से जो है ना मुतासर भी थे, लेकिन बाद में इन्होंने जाके उनके जो है ना वो जैसे कि पारमेनिडीज आप जानते हैं कि उनका ख्याल था कि दुनिया में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है, लेकिन जो है वो एनाक्सागोरस इन्होंने जो है ना इस ख्याल को जो है ना वो आगे जाके जो है ना गलत साबित किया, कैसे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। असल में जो है वो एनाक्सागोरस जो है वो उनको सफर करने का बहुत शौक था, तो उन्होंने कहा चलें दुनिया घूम फिर के देखते हैं। तो जब ये अपना सफर मुकम्मल करके वापस आए तो इनकी जो जायदाद थी, जो जमा पूंजी थी, वो सारी जो है ना वो तकरीबन जो है ना वो तबाह बर्बाद होगी। तो उनके एक दोस्त ने कहा कि जो है ना मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, आपकी सारी जायदाद और सारी जो है ना माल दौलत तबाह बर्बाद हो गया। तो आगे से एनाक्सागोरस ने ये जवाब दिया कि मुझे इस बात से कोई जरा रती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता कि चाहे मेरी जायदाद जो है ना वो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो है ना मैं अपने असली इश्क, अपने असली प्यार यानी कि फिलासफी यानी कि इलम की तरफ आऊंगा और मैं फिलासफी सीखूंगा। उस वक्त जो है ना एथेंस में जो है वो एक बड़े ही जो है ना मशहूर और बड़े पावरफुल एक सियासतदान होते थे जिनका नाम था पेरिक्लेस। उनका ये ख्याल था कि जो है ना अभी जो मौजूदा उस वक्त की जो जमहूरियत थी उसमें सिर्फ अशराफिया और डेमोज वगैरह को जो है ना सियासत में पार्टिसिपेट करने का जो है ना हक था। तो उन्होंने कहा जो है ना जैसे कि जो है ना माइलेजियन स्कूल ऑफ फिलासफी है या अपना इलियाटिक स्कूल ऑफ फिलासफी है, इस तरह का फलसफा और इस तरह की तालीम जो है वो एथेंस में भी लोगों को जो है ना वो देनी चाहिए। तो उन्होंने जो है ना एनाक्सागोरस को दावत दी कि आप यहाँ पे एथेंस में आए, लोगों को पढ़ाएं, लोगों को तालीम दें, लोगों को जो है ना आप फिलासफी सिखाएं। तो उनके कहने पे वो जो है ना वो एथेंस आए, वहां पे जो है ना इन्होंने एथेंस में अपनी फिलासफी की बुनियाद रखी। और बाद में आने वाले वक्तों में जो है ना सोक्रेटिस यानी कि जो सुकरात थे वो एनाक्सागोरस से बहुत मुतासर हुए। एनाक्सागोरस का एक जो बुनियादी जो ख्याल था यानी कि जो मेन इनका जो जो अपना था जो है ना वो थाट था, जो नोटेबल आइडिया था इनका, वो ये था कि देयर इज एवरीथिंग इन एवरीथिंग, यानी कि हर चीज के अंदर एक चीज पाई जाती है। नहीं समझ आई, मजीद इसको जो है ना समझते। उनका यह ख्याल था कि मिसाल के तौर पे जैसे ये हमारी बॉडी है, ये हमारा हाथ है, ये गोश्त नजर आ रहा है, हड्डियां नजर आ रही है, तो अगर हम जो है ना कोई खाने की चीज खाते हैं, सेब खाते हैं, केला खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो उसमें भी जो है ना किसी जो है ना तनासब में हड्डियां पाई जाती हैं। और जो है ना अगर हम सेब खाते हैं, सेब में किसी ना किसी तनासब में खून पाया जाता है। ये फुली तौर पे ये नजरिया आज के दौर में सही साबित तो नहीं हुआ, बहरहाल जो है ना ये थोड़ा बहुत जो है ना इसकी कुछ अफादियत थी। या फिर जो है ना इनका ये ख्याल था कि जैसे कि जो है ना आपने देखी होगी बर्फ जब जमी होती है पहाड़ों के ऊपर तो वो सफेद रंग की होती है, और जब बर्फ पिघल जाती है तो वो उसका जो है ना वो पानी वो काले रंग का हो जाता है। तो इसी चीज को उन्होंने जो है ना एक्सप्लेन करने के लिए मिसाल दी कि देयर इज एवरीथिंग इन एवरीथिंग, यानी कि हर शय के अंदर एक शय मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कहना चाह रहे थे कि यानी कि जो बर्फ है वो सफेद रंग की, असल में उसके अंदर किसी ना किसी तनासब में जो है ना वो काला पाया जाता था, इसीलिए जो है ना वो बर्फ पिघल के जो है ना वो काले रंग का पानी बन गया है।
इसके अलावा जो उनका नोज वाला आइडिया था यानी कि द माइंड वाला, उस वक्त के एथेंस के लोग ये ख्याल करते थे कि ये जो सूरज है, ये जो चांद है, ये जो सितारे हैं, जितने भी जो इस तरह की जो है ना कायनात में उनको चीजें नजर आती हैं, ये असल में जो है ना ये देवता हैं या देवियां हैं ये। तो जो है ना द माइंड जो उन्होंने जो जिसको ग्रीक में नोज कहते हैं, एनाक्सागोरस ने कहा नहीं, ये एक असूल है माइंड और एक ये जो दुनिया है एक मैकेनिज्म के ऊपर जो है ना वो चलती है, इसमें किसी किस्म के किसी को देवी या देवताओं वगैरह का कोई जो है ना वो अमल दखल नहीं है। तो ये बात जो है ना एथेंस के लोगों को बहुत बुरी लगी, उन्होंने कहा कि ये तो दहरिया किस्म का इंसान है, ये जो ना एथियस्ट है, इसको निकालें, इसको मारें, ये हमारे जो है ना वो मजहब के खिलाफ बातें कर रहा है। मिसाल के तौर पे जो है ना एनाक्सागोरस ने कहा कि नहीं, जो सूरज है ना वो कोई देवता नहीं है, सूरज असल में जो है ना वो एक गर्म लोहा है जो वो पिघला हुआ है, और जो है ना वो जो चांद है असल में जो है ना वो सूरज की रोशनी चांद के ऊपर पड़ती है और चांद की रोशनी फिर रिफ्लेक्ट होके हमें जमीन पे दिखाई देती है, या फिर जो है ना जो एक्लिप्स लगता है जिसको चांद गिरन कहते हैं या सूरज गिरन वो कहता है, जब जमीन जो है ना वो चांद के सामने आ जाती है, जब सूरज जमीन के सामने एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं तो इस तरह वो एक्लिप्स हो जाता है यानी कि गिरन लग जाता है, जिसको आपने देखा होगा कि लोग चांद गिरन कहते हैं, सूरज गिरन कहते हैं। तो आज के जमाने में ये थ्योरी बिल्कुल साबित है, लेकिन उस वक्त के लोगों का ये ख्याल था कि ये जो है ना वो चांद और सूरज और बाकी सितारे ये देवी और देवता हैं, इनकी इबादत करनी चाहिए। तो उन्होंने जो है ना वो फिर जो है वो एनाक्सागोरस के खिलाफ मुकदमा किया, उनको अदालत में लेके जाया गया और उनको दो चॉइसेस दी गई, जैसे कि सोक्रेटिस को दी गई थी सुकरात को, कि आप यहाँ तो फिर जहर पी लें या फिर जो है ना हमेशा हमेशा के लिए एथेंस से दफा हो जाएं, छोड़ जाएं यहाँ से। तो जो है ना वो एनाक्सागोरस जो थे उन्होंने जो है ना वो जाहिर सी बात है वो सोक्रेटिस से पहले के थे, उन्होंने जो है ना वो दूसरी चॉइस अपनाई, उन्होंने जो है ना अपनी अपने नजरियात पे अपनी जान कुर्बान करना जो है ना वो जरूरी नहीं समझा, तो उन्होंने कहा कि ये लोग समझ नहीं रहे तो इसीलिए जो है ना मुझे यहाँ से हिजरत कर जानी चाहिए। तो वो फिर उन्होंने उसके बाद जो है ना हमेशा हमेशा के लिए एथेंस को जो है ना वो छोड़ दिया, लेकिन जो है ना उन्होंने तो एथेंस को छोड़ दिया लेकिन बाद में आने वाले वक्तों ने ये साबित किया थ्रू सोक्रेटिस और एरिस्टोटल और पूरी दुनिया ने यह माना कि इनकी थ्योरी जो है ना वो बिल्कुल सही थी।